नमस्कार, दिल्ली के एम्स से सिटी सेंटर शो में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गीता जोशी और खबरों की शुरुआत ठिठुरते उत्तर भारत से। लगातार पारा जो है वो गिरता जा रहा है। दिल्ली में रविवार को जो न्यूनतम तापमान है वो 1.9 डिग्री आया था। इसके साथ ही कई फ्लाइट्स डिले होती जा रही हैं, कई ट्रेन्स रद्द होती जा रही हैं। कोहरे का कोहराम इस कदर है कि इंसान जो है, जो लोग हैं, वो बहुत परेशानियों का सामना कर रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि एम्स एक ऐसा हॉस्पिटल है जहां पर अलग अलग शहरों से जो हैं लोग यहां पर इलाज के लिए आते हैं, लेकिन इस मौसम में यहां पर रहना कितना मुश्किल है आप यहां पर देख सकते हैं। पारा जो है लगातार गिरता जा रहा है, लोगों की परेशानियां जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। लोगों को ऐसे ही रहना पड़ता है, ऐसे ही सोना पड़ता है, सड़क पर सोना पड़ता है। हम एम्स मेट्रो स्टेशन के बाहर हैं इस वक्त, रैन बसेरा भी है यहाँ पर। यहाँ पर लोग अलग अलग शहरों से आए हुए हैं, उनसे बात करते हैं कि उनको किस तरह से परेशानियाँ हो रही हैं। आप देख सकते हैं बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं जो बाहर इस तरह से सो रहे हैं। कुछ खुशकिस्मत होते हैं जिनको रैन बसेरों में जो है जगह मिल जाती है, लेकिन कुछ ऐसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो अलग अलग शहरों से आए हैं। मुश्किलें कम नहीं है ज़िंदगी में, लेकिन ऐसा जो मौसम है वो और इन मुश्किलों को बढ़ा देता है। बेटा, आप कहाँ से आए हैं? बिहार से। बिहार से आए हैं, कितने दिन हो गए आपको यहाँ आए हुए? आज आए हैं। आज ही आए हैं। यहाँ पर आपको रहना पड़ रहा है, दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा? हाँ। ठंड लग रही है क्या? किसके इलाज के लिए यहाँ पर आए हैं? ये आपकी माता जी हैं? हमारे इलाज हो रहा है। आपका इलाज हो रहा है? हमारे इलाज हो रहा है। क्या क्या तकलीफ है आपको? कैंसर है हमारे। कैंसर? हाँ हाँ। तो इतने छोटे बच्चे के साथ आप आई हैं, यहाँ पर रहना पड़ रहा है इस फुट? 6 महीना से दवाई चल रहा है, वो अंदर में कहीं भी जगह नहीं है तो कहाँ पर सोए, यहाँ पर नहीं सोए। बच्चा काफी छोटा है, इसको इसकी देख रेख के लिए कोई घर में नहीं था जो इसको लाना इतना जरूरी था? नहीं, रहने पाया घर में कोई नहीं है, कौन रखेगा, इसीलिए संग में ले चलाया था। रैन बसेरों में जो यहाँ पर बने हुए, यहाँ पर आपको जगह नहीं मिली? नहीं मिला, यहाँ पर कोई जगह नहीं है अंदर में, इसीलिए बाहर में सो गया। तो माता जी बिहार से आई हैं, कैंसर का इनका इलाज है, छोटे बच्चे उनके साथ हैं जो खास रहे हैं। ठंड इस कदर है आप देख सकते हैं, यहाँ पर और छोटे छोटे बच्चे हैं, कई लोग हैं। ये महिला भी हमारे साथ, आप कहाँ से आई हैं? हम उत्तराखंड जसपुर से, उधम सिंह नगर। आप अपने इलाज के लिए यहाँ आई हैं? जी, मेरा हार्ट का ऑपरेशन हुआ है और अब पेट की समस्या है, पेट में पथरी वगैरह है। तो आप कितने दिनों से यहाँ पर आई हैं और ऐसे आपको रातें अपनी गुजारनी पड़ रही हैं? ठंड काफ़ी बढ़ती जा रही है। 8 दिन ये हो गए और 8 दिन कल को हो जाएंगे। अच्छा, हाँ। तो कई मुश्किलें आ रही हैं आपको? मुश्किलें आ रही हैं, बहुत ही आ रही हैं। हमें तो कंबल भी नहीं मिल पा रहा ओढ़ने को, और वैसे भी क्योंकि हम बर्मा लोग हैं, हम ऐसे झपट झपट के लेते नहीं हैं। रोइए मत, सब ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, छोटे छोटे बच्चे आप यहाँ पर देख सकते हैं, कितनी मुश्किलें हैं लोगों की ज़िंदगी में। बीमारियों से अलग जूझ रहे हैं और उसके साथ जो ठंड का जो कहर है वो लोगों पर बरस रहा है। आप कुछ कहना चाहेंगे? आप कहाँ से आए हैं? मैं यूपी से आया हूँ और मेरे बच्चे को प्लास्टिक अमोनिया है जी, और मैं 4th एम्स में आया, एडमिट मैंने बच्चा कराया है, परंतु मेरे बच्चे का यहाँ इलाज के लिए मना कर दिया। मैंने बड़ा खुशामद की है और वो दवाई नहीं दे रहे, और उन्होंने मेरे को एमरजेंसी से शाम अभी लिख के दे दिया, बोले अभी ले जाइए अपने बच्चे को। आपको यहाँ आए हुए कितने दिन हो गए हैं? मुझे मैं यहाँ जो है 3 तारीख में मेरे बच्चे यहाँ एडमिट हुआ है। अच्छा, 3 तारीख जी। 2 पॉइंट मात्र ब्लेड था और प्लेटें जो है मात्र 10,000 थे। तो आप यहाँ पर कहाँ रह रहे हैं आप? मैं उस पर अंदर हूँ अभी। अच्छा, आपको रैन बसेरे में जगह मिल चुकी है? नहीं नहीं नहीं, रैन बसेरे में नहीं, मैं वैसे रह रहा हूँ, वहाँ पे कोर्ट पे पड़े हुए और मेरे बच्चे का इलाज नहीं हो रहा। मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे बच्चे को ऑल इंडिया सबसे बड़ा है, और मैं ये ऋषिकेश एम्स में भी गया था और झज्जर में भी गया था, सफदरगंज में भी गया था, मेरे बच्चे को एडमिट नहीं किया गया। जी जी जी। ठंड कितनी मुश्किल बनती जा रही है, कुछ कहना चाहेंगे? आप यहीं पर ही रहते हैं, आप किसके साथ आए हैं? मेरे पापा का इलाज चल रहा है। पापा का इलाज चल रहा है? हाँ। आप कहाँ से हैं? बिहार से। बिहार से हैं, आपके पिताजी का इलाज चल रहा है। तो कितने दिन हो गए आपको यहाँ आए हुए? 9 महीने। 9 महीने हो गए हैं। अभी ठंड बढ़ गई है, थोड़ी मुश्किल बढ़ती है? हाँ दीदी।
कहाँ रहते हो आप? सफदरजंग में। सफदरजंग में वहाँ पर कहाँ पर कोई है जगह जहाँ पर रह पाते हो या ऐसी? चद्दर है, डली हुई है चद्दर। अच्छा चद्दर मतलब ऐसी टेंट लगा हुआ है उसमें आप रहते हैं। दिक्कत हो रही है काफी? हाँ दीदी दिक्कत हो रही है, तो लोगों को काफी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। हालांकि राहत की बात यह है कि आईएमडी की ओर से ये कहा गया है कि कल से थोड़ी राहत मिल सकती है कोहरे के कोहराम से, और साथ ही थोड़ी सी ठंड जो है वो कम पड़ सकती है। पारा जो है वो थोड़ा जो है बढ़ने की ओर जा सकता है, तो थोड़ी सी ठंड से राहत आपको कल से मिल सकती है। और अगली खबर भी दिल्ली से, जहां कंजावला हादसे में आरोपियों को 2 मिनट के भीतर ही पता चल गया था कि उनकी गाड़ी के नीचे एक लड़की फंसी हुई है। 2 आरोपियों ने उतरकर देखा भी, लेकिन बावजूद इसके वो गाड़ी जो है भगाते रहे। ये बात आज पुलिस ने कोर्ट में कही, जिसके बाद आरोपियों की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई। ज्यादा जानकारी के लिए देखिए मुकेश सिंह सेंगर की ये रिपोर्ट। सोमवार को पुलिस रिमांड के बाद पुलिस ने कंझावला कांड की 6 आरोपियों को रोहिणी कोर्ट में पेश किया। पुलिस ने कोर्ट में कहा कि फिलहाल उनकी पूछताछ पूरी हो चुकी है। पुलिस ने कोर्ट में दावा किया कि दुर्घटना के 2 मिनट के भीतर आरोपियों को पता चल गया था कि एक लड़की गाड़ी में फंसी हुई है। आरोपियों ने आगे जाकर कार खड़ी की। 2 आरोपियों ने नीचे उतरकर देखा कि लड़की फंसी हुई है, इसके बावजूद वो 13 किलोमीटर तक घसीटते चले गए। इस रूट के 6 सीसीटीवी फुटेज मिले हैं, जबकि कुछ पहले के हैं। पुलिस ने पूरे रूट की टाइम लाइन बना ली है। पीरागढ़ी में जहां आरोपियों ने खाना खाया, वहां सीसीटीवी में 5 लोग दिख रहे हैं। आरोपियों का हियरिंग टेस्ट करवाना है, क्योंकि आरोपी कह रहे थे कि उन्हें कार में घिसटने की आवाज़ नहीं आई। अब तक इस मामले में 20 गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने आरोपी आशुतोष के बारे में कहा कि वो उस शख्स का हैंडलर है जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, इसलिए उसकी भूमिका की जांच की जा रही है। जो सीसीटीवी फुटेज मिले हैं उसमें फेस रिकॉग्निशन के जरिए आरोपियों के चेहरे की पहचान की जाएगी। इस पर जज ने पूछा कि पुलिस कब तक सीसीटीवी फुटेज खोजती रहेगी, कितना समय और लगेगा। वहीं अंजलि के घर वालों ने कहा कि इस मामले की सीबीआई जांच हो और हत्या का केस दर्ज हो। अभी तक कुछ नहीं करा पुलिस वालों ने। अच्छा। और मेरे घर में चोरी और करवा दी, पता नहीं किसने क्या क्या मेरे घर में कुछ भी नहीं छोड़ा। 402 नहीं लगाई जा रही। जब निधि ने भी बयान दे दिया, निधि के बयान से भी चलें तो अभी उन लड़कों पे 402 लगाई जाएगी, 302 जो भी है। मैं तो जानती नहीं कि मर्डर के केस में क्या लगता है क्या नहीं लगता। कोर्ट ने सभी आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आशुतोष की जमानत पर मंगलवार को सुनवाई होगी। पुलिस की जांच में नई नई बातें सामने आती रहीं और आरोपी पुलिस के सामने अपने बयान भी बदलते रहे। अब पुलिस इस मामले में पूरी साजिश का पता लगा रही है। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली एक बार फिर शर्मसार हुई। उत्तर पश्चिमी दिल्ली के बवाना से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जिसमें एक पति ने अपनी 7 महीने की गर्भवती महिला को जलाने की कोशिश की है। कथित तौर पर इस अपराध में महिला के ससुराल वाले भी शामिल हैं। महिला का पूरा शरीर बहुत बुरी तरह झुलस चुका है, जिसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस वारदात को लेकर दिल्ली महिला आयोग की चीफ स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है और पीड़िता को हर संभव मदद की बात कही है। ये कह रहे हैं कि आप हाथ ताप रहे थे तब जल गए। झूठ बात है। अब हम तो वहाँ थे नहीं। ये एक दिन पहले मेरी लड़की ने कहा था ये मेरे से जेवर मांग रहा है, और इसी के पीछे दोनों में हुई थी लड़ाई। अच्छा। तो फिर क्या पता लगा आपको? पता क्या लगा, सुबह 6 बजे फोन आ गया था, जल गई थी 7:30 बजे, थीनर डाल के जला दिया। नहीं, हम लड़ाई करता था, हम समझा देते थे बच्चा है चलो घर परिवार है, लेकिन अब उन्हें अंति कर दिया तो क्या कर सकते। 7 महीने का पेट में बच्चा भी है। विवाद क्या, डेली मारपीट करते थे लड़की के साथ, तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, कोई अपना ही परिवार है। तो जिस दिन जली है 6 तारीख को, उसके एक दिन पहले मारपीट किए थे उसके साथ शाम को, और अगले दिन सुबह 7:30 बजे तक जला दिए। कैसे जलाया? थिनर डाल के जलाए हैं जी, थिनर डाले हैं, थिनर डाल के आग लगा दिए हैं। कुछ वहीं जल रहा था, अपने आप पकड़ गया वो। अच्छा।
थिनर ऊपर डाल दिए। लड़का भी जल गया है जो फंस, हाँ वो बीच बचाव में फंस गए। अच्छा। तो लड़के ने ही जलाया, फिर वो भी जल गया। वो उसके जब वो ज्यादा जलने लगी तो बचाने लग गए, उसी में वो भी जल गए। वहीं पीड़िता के पति के भांजे का ये कहना है कि ये हादसा आग तापने के दौरान हुआ। मैं उस समय मौजूद था वहाँ पे, लकड़ रख गए उसको, हाथ सेक रहे थे, धुआं निकल रहा था उसमें से थोड़ा थीना डाले उसमें और भपका मारा ऊपर। वो दोनों पास में बैठे हुए थे, पकड़ लिया, पहले मामा को पकड़ा, फिर मामी को पीछे ढकेलने के कारण पकड़ लिया मामी को भी, नहीं तो उनको भी पकड़ लेता। मामी को कम लगा, मामा को ज्यादा लगा। राजस्थान पेपर लीक मामले में जयपुर पुलिस ने आरोपियों के कोचिंग सेंटर पर बुलडोजर चला दिया है। अब इसे जेडीए की तरफ से अवैध निर्माण पर कार्रवाई बताया जा रहा है। देखिए हर्षा कुमारी सिंह की ये रिपोर्ट। जयपुर में बुलडोजर, अधिगम कोचिंग इंस्टीट्यूट की इमारत को गिरा दिया गया। आरोप है कि कोचिंग संचालक भूपेंद्र सारण और सुरेश ढाका हाल ही में हुए सीनियर टीचर्स भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले के सरगना है। दोनों फरार हैं, पुलिस उन्हें तलाश रही है। बिल्डिंग अनिल अग्रवाल की है। आवासीय पे गंभीर प्रकृति की व्यावसायिक अवैध बिल्डिंग थी ये। इसके संदर्भ में तात्कालिक कारण तो पेपर लीक प्रकरण है और इसका मूल जो आधार है इसका ध्वस्तीकरण का, ये रोड सीमा पे और आवासीय भूखंडों के ऊपर गंभीर प्रकृति की व्यावसायिक बिल्डिंग वर्द, न केवल सेटबैक्स को कवर किया इन्होंने, जैसे आप देख रहे हैं कि कॉर्नर पे अवस्थित सामने की तरफ 20 फीट का सेटबैक इसमें छोड़ना था, इधर 15 फीट था, तीसरी तरफ 10 फीट था, इनको ही कवर नहीं किया। मुख्य सड़क की भूमि को भी अतिक्रमित करते हुए अवैध बिल्डिंग बनी थी। मामला 24 दिसंबर का है जब पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक बस में 40 से ज्यादा लोगों को पकड़ा। उनके पास परीक्षा के एक दिन पहले सीनियर टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्जाम का पेपर मिला। पेपर एक दिन पहले आउट हो चुका था, सरकार को परीक्षा रद्द करनी पड़ी थी। मुखबिर से सूचना मिली थी कि जो एग्जाम चल रहा है उसमें कुछ लोगों को बस के थ्रू ले जाया जाकर उनको एग्जाम सॉल्व करवाया जाकर और उनको हेल्प की दी जा रही है, तो इस सूचना को डेवलप किया गया और लगातार पीछा करके इन लोगों को बिक्रे के पास पकड़ा गया है। इसमें भी 40 से ज़्यादा लोग, जिसमें कैंडिडेट्स मेजोरिटी कैंडिडेट्स हैं जो जालौर को बिलोंग करते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको पेपर सॉल्व करवाने में मदद कर रहे हैं, तो उनको पकड़ा गया है। जोधपुर से एक आरोपी सुरेश विश्रोई को पुलिस ने पकड़ लिया है, लेकिन कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाने वाले फरार हैं। ये दूसरी बार है जब राजस्थान में शिक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ है और जाहिर है एग्जाम देने वाले नाराज हैं। मुझे 2 साल हो गए इसकी तैयारी करते हुए सेकंड ग्रेड की, मैं तो आज लगी थी कि कहीं ना कहीं मुझे रोजगार मिलेगा, मैं एक टीचर बनूंगा, तो उसके बाद में ऐसी हालात देखने के बाद में लगता है कि गहलोत सरकार 4 साल का तो जश्न मना रही है पर स्टूडेंट के साथ जश्न मनाने का इनका कोई रोल नहीं है। राजस्थान सरकार अपने आप में चिंतित है, जिस तरह से रीट का एग्जाम लीक हुआ था, अब सीनियर टीचर्स का जो पेपर है वो भी लीक हो गया है। एक साल में चुनाव होने वाले हैं यहाँ पर, और जो यूथ है, जो युवा पीढ़ी है, जो काफ़ी मशक्कत करके, काफ़ी मेहनत करके इन सब सरकारी भर्तियों के लिए तैयारी करते हैं, उनके सपनों पर एक तरह से पानी फिर जाता है। तो सही राजनीतिक मैसेज जाए उसको लेकर राजस्थान सरकार की सख्त कार्रवाई। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, NDTV इंडिया। एयर इंडिया की फ्लाइट में एक बुजुर्ग महिला पर यूरिनेट करने के मामले को लेकर दिल्ली पुलिस कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, लिहाजा दिल्ली पुलिस की नजर अब ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग पर है। देखिए परिमल कुमार की रिपोर्ट। एयर इंडिया मामले की पड़ताल में अब दिल्ली पुलिस ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग का सहारा लेगी। कोशिश ये जानने की है कि एयर इंडिया से 26 नवंबर को न्यूयॉर्क से दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाली फ्लाइट में पेशाब वाली जो घटना हुई उसको लेकर कॉकपिट में क्या क्या बातचीत हुई। तो कभी भी आपको किसी भी इंसिडेंट या एक्सीडेंट में इंक्वायरी की जरूरत होती है तो हमारा पर्पज ये होता है कि पायलट की क्या कंडीशन थी, कॉकपिट में क्या सिचुएशन रही, उसके लास्ट मिनट पे क्या कम्युनिकेशन था, ATC से क्या बात हुई, और ये एक रोलिंग टेप होता है जो पिछले 75 घंटे की रीडिंग को लेता है।
70 साल की एक महिला पर शंकर मिश्रा के नाम के एक शख्स द्वारा पेशाब किए जाने की इस मामले में पुलिस ये भी देख रही है कि इसकी कोई ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग है या नहीं। स्टाफ से भी पूछताछ की जा रही है। दिल्ली पुलिस ने पहले ही पायलट और क्रू को समन किया है। पीड़ित महिला के साथ बैठे कुछ यात्रियों को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है और कुछ यात्रियों को ईमेल भेजकर जानकारी चाहिए है। मैंने आपको बताया कि 75 घंटे की जो प्रीवियस फ्लाइंग है उसका रिकॉर्डिंग जो है वो रहता है। आई एम नॉट 100% श्योर बट दैट इज द सिचुएशन। स्पेशल केस में अगर आपने उसको डाउनलोड करने फिर उसको आपको डंप करके सेव करना होता है उस रिकॉर्डिंग को। अगर आपको कोई इंसिडेंट है, कोई एक्सीडेंट है या कोई कंप्लेंट है तो आप उसको प्रोटेक्ट उसके जो रिकॉर्ड को आप सेव करते हैं और उसमें फिर उस जो पुराना रीड आउट है उसको आप रिकॉर्ड करके फिर दैट इज स्क्रूटनाइज की क्या बात हुई। वहीं इस मामले में दिल्ली पुलिस ने शंकर मिश्रा को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया और फिलहाल वो जेल में है। 11 जनवरी को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में उसकी बेल पर सुनवाई है। सजा के लिए सबूत जरूरी है। पुलिस कड़ी दर कड़ी जोड़ भी रही है और सबूत भी जुटा रही है। साथ ही इस मामले को लेकर गंभीर पुलिस इस बात को समझने की कोशिश भी कर रही है कि जब ये वाकया हुआ तब उस वक्त एयर इंडिया के कर्मचारी इस मामले को लेकर कितने गंभीर थे। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर के साथ परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। समान नागरिक संहिता को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आया है। समान नागरिक संहिता को लेकर गुजरात और उत्तराखंड सरकार की कवायद को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दिखा दी है। देखिए आशीष भार्गव की रिपोर्ट। देश भर में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर लंबे समय से बहस चलती आ रही है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात और उत्तराखंड सरकार के कमेटी बनाने को मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समान नागरिक संहिता के परीक्षण का अधिकार राज्य सरकार के दायरे के भीतर है। संविधान के अनुच्छेद 162 में ये अधिकार है। यूसीसी के लिए कमेटी के गठन में कुछ भी गलत नहीं है। कमेटी को बस गठन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर गुजरात और उत्तराखंड सरकारों के उस फैसले को चुनौती दी गई थी जिसमें समान नागरिक संहिता के परीक्षण के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था। सुप्रीम कोर्ट से सरकारों के इस फैसले को रद्द करने की मांग की गई थी। वो ये कहता है कि स्टेट को पावर है कानून लेजिस्लेट करने का, जिसमें स्टेट की अथॉरिटी है कि इनमें कानून बनाया जा सकता है। अगर कानून बनाना है किसी ऐसी चीज पे जिस पे पहले कोई कानून नहीं बना तो उसमें वो कमेटी गठित करेंगे और कमेटी गठित करने के बाद उस पर कानून बनेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही ऐसे मामलों की सुनवाई कर रहा है। इसमें सभी धर्मों के लोगों के लिए विवाह, तलाक, गोद लेने, भरण पोषण आदि के लिए एक कानून बनाने की मांग है। 5 PIL फाइल किया है। एक मेरी PIL है कि लड़के लड़की की शादी की उम्र बराबर होनी चाहिए। अभी हिंदुओं में लड़की की शादी की उम्र 18 है, लेकिन मुस्लिम्स में शादी की उम्र जो मिनिमम एज है वो 9 साल चल रही है। इसी तरीके से मुस्लिम बेटियों को गुजारा भत्ता नहीं मिलता और हिंदू बेटियों को गुजारा भत्ता मिलता है, इसलिए हमने कहा सबको गुजारा भत्ता मिलना चाहिए। हिंदू बेटियों का अगर तलाक होता है तो कोर्ट के जरिए होता है, लेकिन मुस्लिम बेटियों का तलाक आज भी ईमेल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, SMS के जरिए, कुरियर के जरिए, स्पीड पोस्ट के जरिए हो रहा है। तो हमने कहा है कि तलाक का प्रोसीजर एक होना चाहिए, वो हिंदू मुस्लिम सबके लिए एक होना चाहिए। 4th मेरी PIL है कि गोद लेने का अधिकार, बच्चा गोद लेने का अधिकार और बच्चे के भरण पोषण का अधिकार सबको मिलना चाहिए। मुस्लिम बेटियों को अभी बच्चा गोद लेने का अधिकार नहीं है, उनके भरण पोषण का भी अधिकार नहीं है। और 5th मेरी PIL है कि विरासत का अधिकार, वसीयत का अधिकार और प्रॉपर्टी का अधिकार, ये देश की सभी बेटियों को इक्वल होना चाहिए। तो 5 PIL सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। अगर इन 5 को क्लब कर दीजिए तो यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गया, और 5 को अलग अलग करिए तो 5 इशू हो गए। और माननीय सुप्रीम कोर्ट में पहले ही नोटिस जारी किया हुआ है केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय, कानून मंत्रालय को, इस पे फरवरी में फिर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद अब दूसरे राज्यों में इसकी कवायद तेज होने की उम्मीद है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। आज तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि विधानसभा से बाहर निकल गए। उन्होंने सरकार द्वारा तैयार किया गया अभिभाषण नहीं पढ़ा।
मुख्यमंत्री स्टेलिन ने कहा कि वो सरकार द्वारा तैयार वक्तव्य ही पढ़ें और वो हिस्से हटा दें जो उन्होंने जोड़े हैं। विधानसभा ने भी राज्यपाल के मूल भाषण को ही पारित किया। राज्यपाल आरएन रवि ने भाषण के उन हिस्सों को छोड़ दिया जिनमें धर्मनिरपेक्षता का जिक्र था और पेरियार, अंबेडकर, कामराज और सीएन अन्नादुरई जैसे नेताओं के नाम लिए गए थे। और आपको बता दें, मॉस्को गोवा फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग जामनगर में हुई। ये लैंडिंग बम की सूचना मिलने के बाद हुई। गोवा एटीसी को ईमेल से बम को लेकर जानकारी मिली थी, जिसके बाद विमान को गुजरात के जामनगर में उतारा गया। सभी यात्रियों और क्रू के सदस्यों को विमान से सुरक्षित उतार लिया गया है। विमान को आइसोलेशन वे में ले जाया गया। नई दिल्ली में रूस के दूतावास ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा है कि अजूर एयर फ्लाइट में बम की सूचना के बारे में सूचित कर दिया गया था। जम्मू में कश्मीरी पंडितों का धरना जारी है। घाटी में लगातार टारगेट किलिंग होने के बाद जो कश्मीरी पंडित है वो वहां जाने से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार उनकी बात सुने और इसका समाधान निकाले। देखिए नजीर मसूदी की रिपोर्ट। कश्मीर घाटी में टारगेट हमले के विरोध में जम्मू में प्रदर्शन का 245वां दिन। रोहित रैना शिक्षा विभाग में है और उन कश्मीरी पंडितों में शामिल है जिन्हें जम्मू में शिफ्ट किया गया है। उनका कहना है कि 4 महीने से सैलरी नहीं दी गई है और वो अब वापस घाटी नहीं लौटना चाहते हैं क्योंकि आतंकियों का डर बरकरार है। मेरी भी सितंबर से बंद है, कुछ मेरे एम्प्लॉयज ऐसे हैं जिनकी मई से भी बंद है, जून से भी बंद है, सबको सैलरीज नहीं मिली है। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है कि सैलरी सबको रिलीज कर। जिस तरीके से वहाँ पे टारगेट किलिंग्स का सिलसिला स्टार्ट हुआ, हम लोग अब बहुत ज्यादा डर चुके हैं। करीब 6000 कश्मीरी पंडितों को प्रधानमंत्री विशेष रोजगार पैकेज के तहत नौकरियां दी गई जब वो कश्मीर घाटी वापस लौटे। लेकिन पिछले साल मई में शुरू हुए टारगेट अटैक के बाद ज्यादातर पंडितों ने घाटी छोड़ दी और फिर जम्मू में प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी इनकी मांगों का समर्थन कर रही है लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर ऐसा नहीं चाहते हैं। वो आतंकी खतरे के आधार पर ट्रांसफर की मांग को खारिज कर चुके हैं। पुलिस का कहना है कि 26 टारगेट किलिंग हुई है, उसमें 4 कश्मीरी पंडित थे। जम्मू से नजीर मसूदी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।